वेलकम टू JKSSB Online ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग JKSSB एग्जाम। तो स्टार्ट करने से पहले अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, तो इसके लिए हम लोगों ने लॉन्च करी है दो ईबुक्स, जिसमें हम 2022 और 23 का करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें जो भी करंट अफेयर होगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इन्हीं MCQs में से एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंट लास्ट JKPSSB एग्जाम जब हुआ था उस टाइम पे भी हमने इसी तरह की ईबुक बनाई थी। लास्ट 6 मंथ का था वो, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आए थे। ठीक है, तो अभी हमने लॉन्च करा है 2022 और 23 का करंट अफेयर ईबुक्स, जिसका प्राइस फिलहाल के लिए आज के लिए हमने रखा है सिर्फ 97 रुपीज। एक्चुअल प्राइस 300 है, बट आज के लिए सिर्फ 97 रुपीज इसका प्राइस हमने रखा है। बाय करने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7006332724। ठीक है, 2724 है लास्ट में। जैसे आप इसमें मैसेज करोगे आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको सिर्फ करंट अफेयर लिखना है, आपको ऑटोमेटिकली लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर में एक्चुअली मैंने इमेजेस नहीं डाली, क्योंकि वो डालते डालते जब फाइल्स बना रहे थे उस टाइम पे थोड़ा सिस्टम करप्ट हो गया, इस वजह से वो चीज़ सेव नहीं हो पाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु विल इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रेल, जिसका नाम है रैपिड एक्स। तो किन्होंने इनॉग्रेट करा है रीजनल रेल रैपिड एक्स को, दैट इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और ये इंडिया का पहला रीजनल रेल है जिसका नाम है रैपिड एक्स, और ये शहीदाबाद उत्तर प्रदेश से निकलेगा। ठीक है, कब होगा, दैट इज ऑन मतलब टुडे, आज 20 अक्टूबर है, तो आज के दिन। एंड यू कैन से ये ऑपरेट किया जाएगा पहले 17 किलोमीटर। ठीक है, और इंक्लूड करेंगे टोटल ये 5 स्टेशन, जिसमें शाहीबाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुलदार हो गया, दोहाई डिपो। ठीक है, और इसकी अगर स्पीड की बात करें, दैट इज 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये चलती है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच सिटी इज द नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन गांधी वेवियर फेयर बींग ऑर्गेनाइज। तो कौन सी सिटी में नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, जिसका मतलब जिसे गांधी वेवियर फेयर बोला गया है, वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज कोलकाता। क्या आंसर है? कोलकाता। और ये जो इनिशिएटिव है ये किस गवर्नमेंट के अंदर है? इट इज जो इनिशिएटिव लिया गया है, इट इज अंडर यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर नेशनल हैंडीक्राफ्ट नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कि खादी क्लोथ्स की मार्केटिंग को इंक्रीज किया जाए कंट्री में। ऑलराइट, और इसी के साथ लोगों का जो इंटरेस्ट है खादी प्रोडक्ट की तरफ उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री। तो कौन सी ऐसा ऑपरेशन, मतलब कौन सी ऐसी इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है पूरी पंजाब स्टेट को ड्रग फ्री बनाने के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज होप इनिशिएटिव। क्या आंसर है? होप इनिशिएटिव। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो मिशन लिया है होप इनिशिएटिव, इसका जो मेन मकसद है दैट इज कि स्टेट को कंप्लीटली ड्रग फ्री किया जाए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी स्टेट, विच स्टेट अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर टाइगर रिजर्व। तो कौन सी स्टेट ने अप्रूव कर दिया है क्या स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, फॉर्मेशन के लिए, किसकी? टाइगर रिजर्व के लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कौन सी स्टेट ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को की फॉर्मेशन को अप्रूव कर दिया है टाइगर रिजर्व की प्रोटेक्शन के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, जैसे आप लोगों के फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उसी तरह से ये स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उन्होंने बना दी है, ताकि जो भी जितने भी टाइगर्स हैं स्टेट में उनकी प्रोटेक्शन की जाए। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 51 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो किस कहां पे मोदी साहब ने ये प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो लॉन्च करा है? इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र में करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा। न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा किनको अपॉइंट किया गया है? आंसर इज रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपॉइंट करा है इनको। ये बेसिकली फॉर्मर
चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं रघुवर दास, अब ये न्यू गवर्नर जो है वो बने हैं उड़ीसा के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट स्पेशल प्रोग्राम, तो दैट इज कौन से मिनिस्ट्री ने करा भाई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ओके चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियन स्टेट फॉर इट्स स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो मतलब यूके गवर्नमेंट ने इंडिया की कौन सी स्टेट के साथ कोलैबोरेट कराया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए? आंसर इज तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड, ठीक है वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट, आई थिंक ये लास्ट टाइम भी हमने करा था लेकिन उसमें हमने थीम डिस्कस करी थी। आज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर जो है दैट इज 16 अक्टूबर को, ठीक है। और जो 2023 का थीम रहने वाला है वर्ल्ड फूड डे का, दैट इज वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लिव नो वन बिहाइंड। ओके अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया हु लॉन्च द फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 से लेकर 8 तक का बिहार में किन्होंने लॉन्च करा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए मैथ रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी है आने वाले VLW एग्जाम के लिए, और इवन मेरी भी GS की क्लासेस जो हैं MCQs क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेटरमेंट हो जाए। तो जितने भी कैंडिडेट जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, बेसिकली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप चैनल, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में जो करंट अफेयर फाइल हमने बनाई है दैट्स बेस्ट करंट अफेयर फाइल, अगर आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो आप लोग वो बाय कर सकते हैं। ऑलराइट बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।